सर, सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिल रहा है, क्योंकि कल भी जैसे एजी साहब हैं वो पैरवी के लिए नहीं गए, डबल एजी साहब गए थे पैरवी के लिए और उन्होंने हमारी जो बातें थी वो कोर्ट में रखी, लेकिन फिर भी जो यथास्थिति का जो मुद्दा था, यथास्थिति का जो कोर्ट में स्टे लगा हुआ था वो अभी तक टूटा नहीं है। हम एक तरीके से न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी 196वीं रैंक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। 19999 जिसकी रैंक है वो स्कूल के अंदर बैठा है। कई ऐसे भाई बंधु हैं जो पटवारी की नौकरी छोड़ के, अपने डिपार्टमेंट छोड़ के, और अब वो ना घर के ना रहे हैं ना घाट के रहे हैं, कोई पुलिस की नौकरी छोड़ के वहाँ से इस्तीफा दे के और यहाँ इसकी वेटिंग के लिए बैठे हैं। वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, हम यहाँ न्याय के लिए बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से कि यहाँ हमें न्याय जो है वो मिलेगा। हम 20-25 दिन से यहाँ पे, आज 24वां दिन हमारा धरना चल रहा है, हम यहाँ पे न्याय की उम्मीद के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया। कल भी जो डेट पड़ी थी, आगे जो एक पुरानी कहावत चली हुई है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कल की डेट में भी हमें एक और तारीख मिली है। कल हमारे सिंगल बेंच में भी हमारा कुछ नहीं हुआ, सिंगल बेंच में हमें 22 तारीख की डेट मिली है, ना कोई सुनवाई भी ना कुछ और हुआ। और जो डबल बेंच में, डिविजनल बेंच में सरकार लेके गई, उसमें भी ये कहकर टाल दिया कि पहले सिंगल बेंच में अपना निपटारा करके लेके आओ, तब हम डबल बेंच सुनेंगे। हम किसको सुनाएं अपनी पीड़ा? मैं 196 रैंक का बैठा हूँ, 20 जाके रैंक का बंदा, स्कूल में आज 4 महीने से तनख्वाह लेके बैठा है उसके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बहुत बड़ी पीड़ा है। मैंने अपना बाप खो दिया सर। मैं 19 दिसंबर को यहाँ पे आया था, 19 दिसंबर को मैं यहाँ चक्कर लगा रहा था कोर्ट के, सरकारी दफ्तरों के, कभी यहाँ OTS में, कभी CMO ऑफिस के अंदर, कभी शिक्षा संकुल के अंदर। मैं जब सर यहाँ से मैं घर गया ना, घर से 2 किलोमीटर पहले मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। मैं मेरे बाप को सर घर नहीं ले जा पाया, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैं 5 दिन पहले फिर यहाँ दोबारा लौट के आया हूँ, इस बार फिर न्याय की उम्मीद के लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता इस बार मेरे साथ फिर दूसरा कोई दुखड़ा। मेरे घर से 2 पिलर थे सर, 2 पिलर में से 1 पिलर मेरा चल बसा है सर। मेरी माँ, कल शाम को उनका फ़ोन आया, बेटा क्या हुआ, क्या जवाब दूसरा? मेरे पास भी कोई जवाब नहीं देने के लिए, मैं यहाँ से जवाब लेके जाऊँगा सर। 24वां दिन है, यहाँ 24 दिन से लगातार बैठे हैं। हमारा सबका एक साथ सारा काम हो चुका था, 19400 का सबको एक साथ स्कूलें मिली, सबको सारा काम हो गया। जिनके कम रैंक थी वो तो आज स्कूल जा रहे हैं, जिनके रैंक भी अच्छी, हमारे कट ऑफ से 15-15 नंबर ऊपर, फिर भी यहाँ हम घसीट रहे हैं। हमारे को बिना मतलब सरकार घसीट रही है सबको, कोई मतलब नहीं है। मामला है वो सिर्फ याचिकाकर्ता और कोर्ट का है, बोर्ड उसमें है, बोर्ड उनका जवाबदेही है। फिर हम चयनितों को ऐसे क्यों घसीट रहे हैं? हमारा तो कोई बीच में कसूर ही नहीं है। अगर हमें ऐसे घसीटना, हमारी गलती यही है कि हमने बोर्ड में एग्ज़ाम दे के भर्ती को पास करके हम सेलेक्टेड हो गए। पहले तो हम संघर्ष करो, 2 साल हमने पढ़ाई करके खूब मेहनत की, नंबर आ गया, खुश थे भाई, चयन हो गया, स्कूल मिल गई, सब अच्छे से चल रहा था। फिर क्या हमारे साथ वाले 4 महीने से जा रहे हैं, हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं जयपुर के अंदर। अब क्या बताएं सब गांव वालों को? गांव वाले पूछते तू क्यों नहीं जा रहा है स्कूल, सभी जा रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? पढ़ा लिखा है उनको तो पता है भाई ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। कोई कुछ कहता है इनका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ये तो हवा बना रहे हैं ऐसे गाँव में। कोई कहता ये फर्जी थे, अब उनको क्या जवाब दें सर? हम थक गए सबको जवाब दे दे के। हमारी चयनितों की कोई गलती नहीं है। सरकार ने 2022 में 21,000 की L1 की भर्ती कराई थी, जिसमें से सरकार ने 15,000 नियुक्ति दे दी है, 6,000 बाकी बचे हैं, जिसमें मैं पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी चयनितों नियुक्ति दे और हमको यहाँ से आश्वासन देकर हमारे धरने को समाप्त करवाए। मैंने बहुत लंबी संघर्ष परिस्थितियों में पढ़ाई की है और मैंने इस परीक्षा में सफलता पाई। अब सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही है, मुझे जिला अलॉटमेंट हो गया, स्कूल अलॉटमेंट हो गया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार हमारा क्या करेगी, कोई पता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं और कम से कम 350 किलोमीटर से यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा सर कि 25 दिन से लगातार धरना जारी है। हमारी बहनें यहाँ पे जिन बहनों को, जिन शिक्षकों को स्कूलों में होना चाहिए था वो आज स्कूलों में नहीं है, वो आज शहीद स्मारक पे जिस जयपुर की सड़कों पे पड़े हुए हैं। ये वो शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को स्कूलों में बनाते हैं, लेकिन भविष्य ना
भविष्य को नए बनाते हुए इनको जड़कपुरू की सड़कों पे पटक रखा है भजन लाल सरकार ने। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर बार कि सर आप हमारी एजी से पैरवी करवाओ, एजी से पैरवी करवाओ, एजी से पैरवी करवाओ। बोर्ड की तरफ से जो सरकारी वकील जा रहे हैं वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। कल भी हमारी जो तारीख थी 19 तारीख, उसमें डबल जी साहब ने जो मेन मेन मुद्दे की हमारी जो बातें थी वो कोर्ट में जाके वो बोल ही नहीं पाए। हम और किसी न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से? हम फिर भी भजन लाल सरकार के पक्ष में हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई भजन लाल सरकार न्याय करेंगे, लेकिन कल डबल जी साहब भी ने भी हमारा काम नहीं हो पाया, उनसे भी काम नहीं हो पाया। तो हम यही सरकार से विनती कर रहे हैं ना कि सर एजी साहब को भेजिए, जहाँ का जैसे सल्टारा करें हमारा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है। हम नहीं चाहते विधानसभा चुनाव की तरह आगे जाके लोकसभा चुनाव में फंसे। हम आपके मीडिया के माध्यम से भजन लाल से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि हम यहाँ पे आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। शहीद स्मारक पे हमको 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमने एक दिन भी आपका विरोध नहीं किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के सर यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाइए और आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले एन प्रकरण कैसे भी करके हम स्कूलों में भेजे हो जाता स्थिति हमारी समाप्त की जाए। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में कार्मिक विभाग का आदेश था, सभी भर्तियों में समानांतर भर्तियों में अलग से पद सर्जित करेंगे, लेकिन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 689 पद जनरल के काट लिए और जनरल में सभी वर्गों के लड़कों का चयन होता, वो अपनी कैटेगरी में चले गए, इसलिए सभी वर्गों को नुकसान हो गया, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, सभी को नुकसान हो गया। इसलिए हमारे पद में आपके बीजेपी वालों के दिया कुमारी जी से, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल बाबा और राजेंद्र राठौड़ जी, सभी के ट्वीट भी हमारे पक्ष में थे, सभी को हमने ज्ञापन भी दे दिए हैं, ओटीएस में भी जाकर हमने ज्ञापन दे दिए हैं। अब हम धरना स्टार्ट करेंगे। हमारी मांग अगर अति शीघ्र मान ले तो हम बहुत ही खुश हो जाएंगे, और आगे हमारा निवेदन है कि हमारी मांग तुरंत मान ले और हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि जिन लड़कों की आयु हो गई है और वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और कार्मिक विभाग का स्वयं का आदेश था कि अलग से पद सर्जित होंगे, और वो आदेश क्रमांक 7 जिसका विज्ञापन हमने सभी मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी बैरवा डिप्टी सीएम, जितने भी इनके मंत्रीगण हैं सबको दे चुके हैं। हार थक के हम फिर शहीद स्मारक पर 21 तारीख से बैठेंगे। अगर हमारी मांग जल्दी मान ले, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे हमारी गुजारिश है कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। धन्यवाद।